गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मैं एक क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद आप तो ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन कर लेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, ये इसको जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है ना। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ए बी सी, है ना। आपको क्या करना है, ए बी सी ये रियल नंबर या इनको कांस्टेंट बोलते हैं बच्चे, तो इनको इन वेरिएबल से कंपेयर करते हुए, वेरिएबल के आगे जो इनके कांस्टेंट या ये रियल नंबर है उसको कंपेयर करके आपको लिखना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको इक्वेशन ये दे रखी है, तो सबसे पहले तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में चेंज करेंगे। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, है ना। जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। सो दिस इम्प्लाइज, बहुत सरल हो गया बच्चों। अब इससे कंपेयर कर रहे थे, एक्स के आगे जो कोफिशियंट है वो ए का वैल्यू हो जाएगा, तो ए इक्वल टू आपको 2 मिल गया। बी के आगे, बी किसका, वाई का कोफिशियंट है, तो वाई के आगे 3, तो यहाँ पर बी इक्वल टू 3। एंड सी, सी यानी ये कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ सी कांस्टेंट टर्म से कंपेयर किया था, सी इक्वल टू माइनस 9.35 बार, है ना। यही आपका आंसर हुआ है। तो बाकी के ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों आप आराम से कर लेंगे। बच्चों सेकंड क्वेश्चन दिया है, एक्स माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो इसको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल है, एक्स के आगे कोफिशियंट यहाँ 1 है, तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। बी के, वाई के आगे कोफिशियंट यहाँ माइनस 1/5 हो जाएगा, माइनस 1/5 इंटू वाई, तो बी का कोफिशियंट माइनस 1/5 हो गया, और सी इक्वल टू माइनस 10। तो ये आपका ए बी सी का वैल्यू हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, पहले हम 6 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, जनरल फॉर्म के रूप में चेंज कर देंगे। तो ये 6 को इधर ले गए बच्चों, फिर इसके कंपेयर कर लिया इसको किससे, जनरल फॉर्म से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू माइनस 2 है, बी इक्वल टू 3 है, और सी इक्वल टू माइनस 6 है, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है आपको। एक्स इक्वल टू 3y दिया है बच्चों, तो पहले इस y को उधर ले जाएंगे और इधर 0 रखेंगे, राइट हैंड साइड में 0 रखना है। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एस, देखिए मैंने क्या लिख दिया, ये 3y उधर ले गए तो माइनस हो गया, और प्लस 0 और लगा दिया। क्यों लगा दिया, जब स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो एक्स वेरिएबल भी होना चाहिए, वाई वेरिएबल भी होना चाहिए, और कांस्टेंट भी होना चाहिए। अगर कांस्टेंट नहीं दिया है तो कांस्टेंट की जगह हमने 0 लिख दिया, जो नंबर या जो टर्म्स नहीं दी होगी उसकी जगह 0 लिख देंगे बच्चों, है ना। तो यहाँ से कंपेयर करा तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स के आगे कोफिशियंट ए है, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 1, बी इक्वल टू माइनस 3, और सी इक्वल टू 0। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू तीनों की लिख दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, 2x इक्वल टू माइनस 5y। पहले तो माइनस 5, आपको सबसे पहले सारे नंबर को उधर ट्रांसफ़र करना, राइट हैंड साइड में 0 रखना, तो उधर ट्रांसफ़र कर दिया हमने। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म, चूँकि जनरल फॉर्म हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो 0 लिख देंगे। तो ये 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 हो गया। कंपेयर किया हमने तो ए इक्वल टू 2 मिल रहा है, बी इक्वल टू 5, और सी की जगह 0 मिल रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर 6 में 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 0 इधर तो राइट हैंड साइड में 0 है, लेकिन इधर कुछ मिसिंग हो रहा है, यानी वाई टर्म मिसिंग हो रही, तो जो मिसिंग टर्म है उसको 0 के साथ ऐड कर देते हैं। तो इसको हमने क्या लिख दिया, 3x प्लस 0y, 0y मतलब 0 ही होता है, तो 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके जैसे कंपेयर करने के लिए हमको आसान रहती है, जनरल फॉर्म के रूप में हमने चेंज कर दी, तो a इक्वल टू 3 मिल रहा है, b इक्वल टू 0 मिलेगा बच्चों, c इक्वल टू 2, तो हमने ये तीनों का वैल्यू यहाँ नोट कर लिया।
क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में आ सकता है आपको बच्चों। यहाँ पर एक्स टर्म नहीं दिखा रही है, वेरिएबल एक्स वाली टर्म, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो एक्स आगे रहना चाहिए, तो हमने वाई के आगे जीरो एक्स ऐड कर दिया बच्चों, है ना, और बाकी टर्म एज इट इज रख दी। अब इससे कंपेयर कर रहे हैं, ए इजकल टू जीरो आएगा, बी इजकल टू वन, वाई के आगे कुछ नहीं है मतलब वन रहता है, और सी इजकल टू माइनस टू, तो ये तीनों आपके आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइव इजकल टू टू एक्स। तो पहले तो राइट हैंड साइड में हमको आर एच एस में जीरो होना चाहिए, तो इसको उधर लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो इधर जाएगा तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया बच्चों माइनस टू एक्स प्लस फाइव इजकल टू जीरो। अब इसमें वाई टर्म्स नहीं है, तो जो टर्म्स नहीं है उसको जीरो के साथ ऐड कर देते हैं, तो माइनस टू एक्स प्लस जीरो वाई प्लस फाइव, अब ये हमारे जनरल फॉर्म के रूप में इक्वेशन मिल गई। अब कंपेयर कर लिया, ए इजकल टू माइनस टू, बी इजकल टू जीरो, और सी इजकल टू फाइव, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड